नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निशांत याग्निक है एंड आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट इन न्यूरोसर्जरी एट मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव। आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा स्ट्रेस का इफेक्ट जो होता है ब्रेन और स्पाइन पे, इस विषय पे। सो इस टॉक में तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सरल तरीके से। नंबर वन, स्ट्रेस होता क्या है। नंबर टू, इस स्ट्रेस के प्रॉब्लम्स जो ब्रेन और स्पाइन में होते हैं उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। और नंबर थ्री, कि कब आपको डॉक्टर के पास डेफिनेटली जाना चाहिए। सो नंबर वन, स्ट्रेस क्या होता है। अच्छा, स्ट्रेस के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, न्यूज़पेपर्स में आता है, आर्टिकल्स आते हैं, टीवी पे आता है, बट स्ट्रेस एग्जैक्टली होता क्या है ये बहुत लोगों को समझ नहीं आती बात। सो बेसिकली जब हम अपनी लाइफ जीते हैं और 24 आवर्स के साइकिल में जब हम कंटिन्यूसली मंडे ट्यूसडे वेंसडे संडे तक बिताते हैं, तो एज एंड व्हेन आपकी एज होती है आपके कंसर्न्स और आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। एक चीज ठीक होती है, दूसरी चीज खराब होती है, नया कंसर्न आता है, और इस चीज का इफेक्ट बोथ फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तीनों स्फीयर्स में होता है। आपने बहुत बार सोचा होगा या खुद आपको भी होता होगा कि दिन के एंड में कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे कंधों में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं मेरे सर के पीछे दर्द हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पैर दबा दे। सो दिस इज बेसिकली आपकी बॉडी किस तरीके से अपने स्ट्रेस को एक्सप्रेस कर रही है इन फिजिकल फॉर्म। एंड विश्वास रखिए, बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास जो इन पेन्स के साथ आते हैं और जो पेन्स ठीक नहीं होते हैं। मेनी टाइम्स दीज पेशेंट्स दे गो टू डिफरेंट डॉक्टर्स, चार पांच डॉक्टर्स जाने के बाद भी, मल्टीपल दवाइयां लेने के बाद भी ये ठीक नहीं होता, बिकॉज रूट कॉज, जड़ से जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस है। धीरे धीरे करके एज द स्ट्रेस इंक्रीजेस, इसमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम, लंबर डिस्क की प्रॉब्लम, ये सब बढ़ जाती हैं और बहुत बार इसके लिए हमें ऑपरेट भी करना पड़ता है। सो स्ट्रेस बेसिकली एक 24 आवर्स अकरिंग साइकिल है जिसको आपको तोड़ना है, एंड दैट इज द मेन वे जो आप जड़ से इस चीज का आप निवारण कर सकते हैं। नंबर टू, आप कर क्या सकते हैं। करने में चीजें, दो चीजें हैं। नंबर वन, अपना न्यूट्रिशन आपको अच्छे से बैलेंस करके रखना होगा। आजकल हम सभी को पता है कि हमारे खाने में, हमारे एनवायरनमेंट में इतना पोल्यूशन है, इतनी मिलावट है। मैंने जिन भी पेशेंट्स का विटामिन B12, विटामिन डी कराया है जो सप्लीमेंट पे नहीं है, विश्वास रखिए 90% में ये टेस्ट्स कम ही आते हैं। दैट्स बिकॉज हम प्योर फूड्स खा नहीं रहे हैं और हमारे खाना भी रेगुलर नहीं हो रहा है। इतनी डिमांड है हमारे आज की लाइफ की कि हम बैलेंस्ड लाइफ और मील्स रख नहीं पाते हैं, तो सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। कैल्शियम, विटामिन डी और बी विटामिन्स का एक सप्लीमेंट मैं रोज खाता आ रहा हूं फॉर द लास्ट 10-15 ईयर्स, एंड इससे मेरी हीलिंग, मेरी काम पे जाने की कैपेसिटी, मेरी जो एनर्जी है वो मैं ऑप्टिमम लेवल पे रखता हूं। नंबर टू, आपको स्ट्रेस साइकिल तोड़ना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हमेशा जिम ज्वाइन कीजिए या कुछ और कीजिए या मेडिटेशन कीजिए। मैं कहूंगा 24 आवर्स में 15 मिनट से लेकर आधा घंटा कुछ ऐसा कीजिए जो आपके ख्यालों को इन चीजों से दूर रख रहा है जो आप रेगुलरली सोचते हो। एंड कुछ फिजिकल हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि उनको आर्थराइटिस है, उनको बैक पेन है, डिस्क की प्रॉब्लम है, तो हम कैसे करें, हम कैसे इस चीज को कम्युनिटी में ले जाके कैसे करें। तो गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर, ऐसे बहुत सारे नए परस्यूट्स हैं। कम्युनिटी में सर्विस देना, अब किसी गुरुद्वारे में जाके काम करना, किसी संस्था में जाके काम करना, दो नीडी लोगों के लिए सिंपल चीजें करना, जैसे आपने किसी को कुछ पढ़ा दिया, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं, गोदान किया है, ये सब चीजें और कम्युनिटी के साथ आपको डेफिनेटली अपने 24 आवर स्ट्रेस साइकिल से ज्यादा रिलैक्सेशन देंगी। रिलैक्सेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप लेट जाएं और आंखें बंद करें, क्योंकि लेट जाके आंखें बंद करके भी ख्याल नहीं चेंज होते। ख्याल चेंज करने के लिए और बॉडी को नई एनर्जी देने के लिए आपको स्ट्रेस साइकिल एक नए तरीके से तोड़ना पड़ेगा, जो आपके लिए अच्छा भी हो, जो थोड़ा पुण्य भी करे और ओवरऑल आपके माइंड को रिफ्रेश करे। लास्ट चीज, डॉक्टर से कब मिलना है। देखिए, ब्रेन और स्पाइन के केसेस में कुछ सिम्टम्स होते हैं, अगर वो आपको हैं तो डेफिनेटली आप बिना टाइम वेस्ट किए डॉक्टर से जरूर मिलिएगा। नंबर वन, सुनपन होना, हाथों में सुनपन, पैरों में सुनपन, या ऐसी सेंसेशन, पिंस एंड नीडल सेंसेशन जो हम बोलते हैं, जो है चीटियां चलना, सुइयां चुभना। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि मेरे पैरों के तलवों पे ऐसा लग रहा है कि गर्माहट निकल रही है या चीटियां चल रही हैं, सुइयां चुभ रही हैं। बहुत लोगों को साइटिका का पेन चालू हो जाता है, जो स्टार्टिंग में पेन होता है बट धीरे धीरे करके वीकनेस में कन्वर्ट हो जाता है। लास्टली, यूरिन में प्रॉब्लम्स, जैसे आप बार बार रात में जो नहीं उठ रहे थे अभी बार बार रात में उठ के जा रहे हैं, जब आप यूरिन करते हैं तो लगता है रुक के आ रहा है या कंप्लीटली वॉइड नहीं हो रहा है।
नहाते टाइम किसी एरिया में गर्म ना पता चलना, अभी ठंड का मौसम आने वाला है तो मतलब गर्म पानी से जब आप नहाओगे, कुछ एरियाज होते हैं जिसमें गर्मी पता ही नहीं चलती, ये सब सिम्टम्स। एंड खासकर फाइनली वीकनेस, और जनरलाइज बॉडी वीकनेस बहुत पेशेंट्स में होती है, लेकिन कोई स्पेसिफिक पार्ट, कोई एक साइड की वीकनेस हो, मुंह का टेढ़ापन हो, स्पीच में बोलने में चेंजेस हो, हैंडराइटिंग में चेंज हो, ये चीजें जल्दी पकड़िए। आप एक्टिव लाइफ जिएंगे चाहे किसी भी उम्र के हो, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं जो पजल्स पहले कर रहा था, मैं जो क्रॉसवर्ड सॉल्व कर रहा था, सुडोकू कर रहा था, वो अभी मैं नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब आपको डिजीज प्रोसेस चालू हो गया है, और इसको जल्दी दिखा के हम होपफुली इसका जल्दी इलाज कर सकते हैं। कोई ट्यूमर हो, कोई डिस्क की प्रॉब्लम हो, हम जल्दी पकड़ के, आजकल इसके बहुत अच्छे थेरेपीज आ गए हैं। वी आर अ वेरी एडवांस सेंटर इन मणिपाल गुड़गांव, एंड इस एडवांस सेंटर में हम बहुत महीन महीन इंसिशंस से हम बहुत ज़्यादा अचीव कर लेते हैं विदाउट एडवांस्ड कॉस्ट। तो टाइम पे डॉक्टर को दिखाना मतलब आगे की प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली एक स्टेप पे रोक देना। सो लेसन्स फ्रॉम दिस, स्ट्रेस क्या होता है वो मैंने समझाया, स्ट्रेस को आप घर में कैसे डील कर सकते हैं कि प्रोग्रेस ना करें, एंड फाइनली ये जरूर याद रखना कि किन सिम्टम्स को रिकग्नाइज करने के बाद, चाहे अपने में, चाहे किसी और पेशेंट में, आपके रिलेटिव में, आपको डॉक्टर के पास आना चाहिए। विद दिस मैसेज होपफुली आप हेल्दी रहेंगे। थैंक यू।